नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन चौधरी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अपनी मुर्गी का वजन तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हो। यानी दोस्तों, अगर आप एक ब्रॉयलर फार्मर हो या फिर आप देसी फार्मिंग कर रहे हो, देसी मुर्गी का पालन कर रहे हो, तो दोस्तों आप अपनी मुर्गी का जो वजन है उसको तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हो, उसी का दोस्तों जो है देसी फार्मूला के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। यानी होममेड प्रोसेस से जो है आप अपनी मुर्गी का वजन तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स हैं, वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी जो मुर्गी है उसको तेज़ी से कैसे ग्रो कर सके, ताकि हम लोग जो है बहुत ही कम समय में यानी जल्दी में हम लोग जो है उससे प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन आता है बाज़ार का जो मुर्गी को तेज़ी से ग्रो होने में मदद करता है, तो वो सब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मुर्गी तो तेज़ी से ग्रो हो जाता है, बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग देसी नुस्खा को अपनाते हैं, देसी प्रोसेस को अगर हम लोग एडेप्ट करते हैं, तो इससे हमारा मुर्गी भी स्वस्थ रहेगी, मुर्गी तेज़ी से ग्रो भी करेगी और हम लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो फार्मूला है मुर्गी का वजन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, जो फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे उसको बनाने के लिए दोस्तों हम लोगों को जो है रेड चिल्ली यानी जो लाल मिर्च हम लोग है जानते हैं इसको, सभी लोग इसका यूज़ करेंगे। और दोस्तों, जो लाल मिर्च है ये जो हमारे घर में अवेलेबल भी रहता है, हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हेल्थ बेनिफिट, यानी इसको अगर हम लोग अपने मुर्गी के डाइट में शामिल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे मुर्गी को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा, क्या क्या बेनिफिट्स देगा, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके यूज़ से अग्नाशय और आंतों के जो एंजाइम्स एक्टिविटीज़ है उसको दोस्तों ये बढ़ाता है, यानी जो पेट में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है उसका जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो मुर्गी जो भी दाना खाएगी वो सही से डाइजेस्ट कर पाएगी, और सही से जब डाइजेस्ट होगा तो जो भी दाने में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, पोषक तत्व रहेगा, तो वो बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा सही से। फिर नेक्स्ट दोस्तों, इसके यूज़ से जो है मुर्गी को हीट स्ट्रेस से बचाएगा। तो आप बहुत समय देखे होंगे कि मुर्गी स्ट्रेस में आ जाती है, हीट स्ट्रेस में आ जाती है, जिसके वजह से मुर्गी का जो है एग प्रोडक्शन बहुत कम कर देती है मुर्गी, और फिर जो बॉडी ग्रोथ है उसको भी रोक देती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसका यूज़ करते हो तो मुर्गी को जो है स्ट्रेस से भी बचाएगा। फिर दोस्तों, ये जो है सबसे बड़ा जो फ़ायदा देगा वो है कि मुर्गी का जो बॉडी वेट है उसको तेज़ी से ग्रो करेगा, बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों जब डाइजेस्ट सही से कर रहा है, जब जब जो भी न्यूट्रिएंट्स मुर्गी को दे रहे हो अगर वो सही से बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बात है कि मुर्गी जो है तेज़ी से ग्रो कर पाएगी, मसल मुर्गी का जो मसल है वो तेज़ी से बिल्ड हो पाएगा। फिर इसका जो है एक और बड़ा फ़ायदा है वो है कि इसके इसको ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी ये काफ़ी कम पैसे में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, जिसके वजह से जो है जो भी किसान भाई है, जो भी छोटे किसान भाई हैं उनको, उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। तो ऐसे करके जो है बहुत सारा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। तो अब नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं कि इसको देने का प्रोसेस क्या है, आपको अपने मुर्गी को इसको कैसे देना है। तो इसको देने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है लाल मिर्च का पाउडर तैयार कर लेना है। तो पाउडर तैयार करने के लिए दोस्तों जो प्रोसेस है वो है कि अगर आपके पास कच्चा मिर्ची है यानी कच्ची लाल मिर्च है, तो उसके लिए जो है आप उसको सुखा सकते हो धूप में। तो उसको धूप में सुखाने के बाद दोस्तों जब वो ड्राई हो जाएगा, या फिर आप जो है मार्केट में ड्राई में भी आता है, ड्राई फॉर्म में भी आता है जो मिर्च, सूखी मिर्च है उस वो ख़रीद सकते हो। तो जब आप मिर्च सूखा लोगे तो उसके बाद दोस्तों जो है उसके अंदर से जो है जो बीज जो सीड्स रहता है उसको निकाल लेना है, उसको अच्छे से पूरा निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आप सीड्स निकाल लोगे तो वो मिर्ची को जो है आपको ग्राइंडर या किसी भी चीज़ से जो है उसको पूरा पाउडर फॉर्म में बनाना है, उसको पेस्ट करना है। तो दोस्तों जब पेस्ट कर लोगे तो जो आपका पाउडर है वो बन जाएगा, या फिर अगर आप इतना झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो तो सिंपली आप जो है इसका पाउडर जो आता है मार्केट में वो भी खरीद सकते हो, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो है इसको देने का प्रोसेस क्या है, यानी आप कैसे इसको कितने क्वांटिटी में अपनी मुर्गी को दोगे, तो वो है दोस्तों कि आप जो भी फीड अपनी मुर्गी को देते हो, चाहे आप घर में फीड बना के रखे हो या फिर बाजार का फीड, जो भी फीड देते हो, तो उसी फीड में जो है आपको मिर्च पाउडर को मिलाना है। तो मिलाने के लिए दोस्तों आपको जो है 1.5 ग्राम मिर्च पाउडर लेना है, 1 किलो फीड के लिए आपको
लेना है, यानी एक किलो फीड के लिए दोस्तों 1.5 ग्राम जो मिर्च पाउडर आप खरीद के लाए हो या फिर घर में ही बनाए हो उसको मिलाना है, उसको अच्छे से मिलाना है, और जब अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद अपनी मुर्गी को उसको खिलाना है। तो ऐसे करके आप एक दिन में जितना भी फीड यूज़ करते हो अपनी मुर्गी के लिए, जितना अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गी है तो आप ज़्यादा फीड यूज़ करते होंगे, तो उसी हिसाब से मतलब इसी रेशियो से आपको जो है उसी फीड में मिर्च पाउडर को मिलाना है और अपनी मुर्गी को खिलाना है। तो दोस्तों बस यही था एक छोटा सा जानकारी, मुर्गी का वजन आप तेज़ी से कैसे बढ़ाओगे उसका फॉर्मूला। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो किसान दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा जय किसान।